खाती हूँ। जल्दी ले आओ, बहुत भूख लग रही है मुझे। नहीं, मैं दाल वाली खाऊंगी। हाँ, दाल ही पक्की है बस। और चुपके से लाना, कोई देख ना ले। हाँ ठीक है, जल्दी लाओ। A few moments later. अम्मी, 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 अम्मी सुन क्यों नहीं रही अम्मी? क्या है? क्या है? बोलो। अरे कल भी पढ़ाई थी, कल भी मत पढ़ने दिया करो, चुप। क्या है? अम्मी तुम्हें पता है, भाई भाभी के लिए डोसा, चूमीन और मोमो लाए। कभी थैलिया ले जाए थे काले रंग की कमरे में को। अम्मी भाभी को बुला के पूछो, पूछो उनसे। अम्मी मुझे दरअसा भी नहीं दिया उन्होंने। अम्मी दरअसा दिला दो। चूमी, ये तुम्हारी चूमीनों की लत जो है बहुत गलत आदत है। ये बहुत गलत आदत है, खत्म। ये पेट को बिल्कुल खराब कर देती है ये चीजें। ये नहीं अम्मी की, जल्दी से बुला लो भाभी को, वरना वो सब खा लेंगी, मुझे बिल्कुल नहीं देंगी। जल्दी से बुला नहीं सकती हो क्या भाभी को? उनको खाने दो तुम। आ जाए तुम्हारे भाई साहब कमरे में से तो वो निकल आए अपने हुजरे में से, तभी तो कह जाएगी उनसे कोई बात। लेकिन आप कैसे कहोगी, भाई तो चले गए, देख देने आए थे, खाली काली थैलियां दे के चले गए। रुके थोड़ी, वो घर का कोई सौदा सुलभ मंगाओ तो वो कहते हैं लॉकडाउन है, लॉकडाउन है। बीवी के चौमिन का ठेला लॉकडाउन में भी लग जाता है उनका। घर के सौदा सुलभ पे मुझे ये समझाते हैं कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन है। अब ये बहुत गलत बात है कि अब छोटे घर में बहन भाई हैं और चुपके 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 चीज़ें खाई जाए कमरों में। तुरंत इस कसम की हरकतें हमने कभी नहीं करी। हमारे मियाँ तो ज़रा सी भी चीज़ लाए, हमने ला के दस्तखान पर रख दी। वो सब हमारी नंदे माशाल्लाह थी, सबको दी। ये हरकत बहुत गलत होती है कि कोने चकारों में चीज़ें अपने कमरों में लेके खा ली जाए। जब भैया तुम माशाल्लाह से पूरे भरे घर में रह रही हो तो उसका ध्यान तो रखोगी, हर आदमी के दिल का। नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया मैंने तो। नहीं, मुझे क्यों घूर रही हो? मैंने कुछ नहीं बताया अम्मी को। अम्मी को खुशबू आ गई थी, अम्मी ने भाई को काली थैलिया ले जाते हुए देख लिया था, उनको खुशबू आ गई थी। मैंने कुछ नहीं बताया, मुझे मत घूरो। चलो खामोश हो जाओ। क्यों अम्मी, बताओ ना, तुमने ही तो भाई को देखा था ले जाते हुए थैलिया काली चौमिन की जो होती है, अम्मी ने खुद देखा था। बस मैंने क्या कहा, खत्म करो इस बात को तुम दोनों। बस जो होना हो गया, जा जाके अपने अपने कामों को देखो। जाओ तुम भी अपना काम देखो, जाओ तुम भी अपना काम देखो। आज दाल पक्की थी ना, दाल तो तुम्हारी भाभी के मुंह में चलती नहीं है, इसलिए उन्होंने टुनटुना मिलाया होगा अपने मियाँ को और वो थैलियाँ लिए चले आ रहे होंगे चौमिनों की। अब ऐसा है, तुम रहने दो, मैं पापा से मंगा दूंगी। मुझे नहीं मंगाने पापा से, पापा पिछली बार मोमो लाए थे तो चटनी नहीं लाए थे। बिना चटनी के कोई मोमो खाता है? तुम भाई से कहो ला के दे। तो बस ठीक है, फिर मत मंगा, खत्म कर।